एक ऐसा खतरनाक रेस जिसको हर साल 1.5 लोग ट्रेनिंग लेते हैं, एंड उनमें से गाइस ओनली एक लोग ही ऐसा होता है जो इस रेस में खेलने का मौका मिलता है। 2023 के आर्टिकल के माने तो ना गाइस, ये इवेंट जो है ना, ये इवेंट को 3.5 बिलियन की व्यूअरशिप आया था पिछले ईयर। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करेंगे ना गाइस, क्रिकेट को 2.6 बिलियन के व्यूअरशिप आया था, समर ओलंपिक्स को 2 बिलियन के व्यूअरशिप आया था। ऑल्सो 2012 में ना गाइस, ये इवेंट में 12 मिलियन लोगों ने ये इवेंट को अटेंड किया था, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यस, यू गेसिंग राइट, मैं बात कर रहा हूँ टूर दे फ्रांस के बारे में। टूर दे फ्रांस एक्चुअली में ये मेंस का एनुअल मल्टीपल स्टेज बाइसिकल रेस इवेंट है। इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड साइकिलिंग इवेंट एंड इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट। अभी के टाइम में बहुत सारे साइकिलिंग इवेंट्स होते हैं, बट दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है, मतलब इक्विवेलेंट टू वर्ल्ड कप मान सकते हो। बट ये इवेंट का स्टार्ट किधर से हुआ था, कब से टूर दे फ्रांस का शुरुआत हुआ था, तो इसके लिए तो आपको पहले हिस्ट्री को जानना होगा। बात है ईयर 1903 की। फ्रांस की एक न्यूज़पेपर कंपनी आल ऑटो की हालत बहुत ही खराब थी। उसके इन्वेस्टर ना इस न्यूज़पेपर कंपनी को बंद करना चाहते थे, एंड जो इन्वेस्टर है बहुत ही दबाव डाल रहे थे। देन यही अकबर कंपनी ने न्यूज़पेपर की बिक्री को बढ़ाने के लिए ईयर 1903 में एक साइकिलिंग रेस का आयोजित किया जाता है, जिसके नाम वो लोग रखते हैं टूर दे फ्रांस। एंड देखते ही देखते टूर दे फ्रांस इधर एक लोकल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन जाता है, एंड जो न्यूज़पेपर कंपनी है ना डूबने से बच जाता है। शुरू में ये जो इवेंट है ओनली 5 स्टेजेस में ही खेला जाता था, बट ईयर ऑफ ईयर एवोल्यूशन के बाद अभी के टाइम में करेंटली 21 स्टेजेस होते हैं टूर दे फ्रांस में। ये रेस में टोटल 22 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिधर एवरी टीम में 8 राइडर होता है। दिस इज अ बेसिक थिंग जो हम सबको पता है। तो अगर हम बात करें 21 स्टेज के बारे में, जो 21 स्टेज को देखने के लिए दुनिया दुनिया से लोग आकर टूर दे फ्रांस को देखते हैं। ये 23 डेज के इवेंट में ना गाइस 21 डेज पूरा खेला जाता है, 2 डेज ओनली रेस्ट ही होता है। जो रेसर इन 23 डेज में सबसे कम समय में हर एक स्टेज को फिनिश करते हैं ना, तो वो एक्चुअली में विनर बन जाता है। इसमें हमें टोटल 3 कैटेगरीज देखने को मिलता है। पहला तो टाइम ट्रायल्स, देन फ्लैट स्टेजेस एंड देन माउंटेन स्टेजेस। टाइम ट्रायल्स में जो साइकिलिस्ट है वो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करते हैं, एंड अगेंस्ट द क्लॉक वो लोग परफॉर्मेंस करते हैं। इस इवेंट में ना वो लोग एक एरोडायनामिक बाइक का इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज द इंडिविजुअल इवेंट। देन फ्लैट स्टेजेस की बात करें तो फ्लैट स्टेजेस में ना गाइस एक स्पेशलिस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। फ्लैट स्टेजेस के इवेंट में जो स्पेशलिस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उनको हम स्प्रिंटर कहते हैं। वो एक्चुअली में ये जो फ्लैट स्टेजेस इवेंट होता है ना, इसमें हमें हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलता है, मतलब इट इज़ अ टोटली रेस आप कह सकते हो, एंड स्प्रिंट बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिलता है। देन नंबर 3 की जो कैटेगरी है वो है माउंटेन स्टेज, एंड ये स्टेज को देखने के लिए दुनिया दुनिया से लोग आते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस इवेंट भी होता है। अभी तक की हिस्ट्री में 4 लोग भी मर भी चुके हैं इस टूर दे फ्रांस की माउंटेन स्टेज में, तो दिस इज द बहुत ही खतरनाक स्टेज है। टूर दे फ्रांस अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को देखने को मिला होगा कि जर्सीज, डिफरेंट डिफरेंट कलर जर्सीज। तो मैं कुछ फ्यू जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जो टूर दे फ्रांस को एक्चुअली में जीतता है उसको येलो जर्सी अवॉर्ड करते हैं, जो विनर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जर्सी येलो होने का एक और कारण है, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था ना वो येलो न्यूज़पेपर था, तो इसके लिए गाइस वो पब्लिसिटी के लिए येलो जर्सी देते हैं। देन एक और जर्सी होता है ग्रीन जर्सी, तो ग्रीन जर्सी उसको दिया जाता है जो बेस्ट स्प्रिंटर होता है। एंड एक और बात आप याद रखना, जो बाकी जर्सीज होता है ना वो एवरी डे चेंज होता है, मतलब हर दिन एक डिफरेंट विनर होता है, एंड लास्ट में जो विनर होता है वो उसको तो परमानेंट मिल जाता है, बट डेली में वो अलग अलग जर्सी दिया जाता है। देन हमें देखने को मिलता है पोल्का डॉट जर्सी, तो पोल्का डॉट जर्सी ना गाइस रेस में जो फाइनेस्ट क्लाइंबर होता है उनको दिया जाता है। देन वेट जर्सी भी होता है, जो अंडर 26 में जो जिसके रैंक सबसे ज़्यादा होता है ना उनको वेट जर्सी दिया जाता है, मतलब आपकी एज अगर 26 से ज़्यादा होंगे तो आपको वेट जर्सी नहीं मिल सकता है। टूर दे फ्रांस मशहूर है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लिए। ये टोटल 23 डेज के इवेंट में इन ना गाइस, 2 डेज को रेस को छोड़ देना गाइस, तो टोटल जो साइकिलिस्ट है
टोटल 3404 किलोमीटर की डिस्टेंस वो लोग अचीव करते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हाइट की अगर बात करें, एलिवेशन की अगर बात करें, तो टोटल 185,308 फीट एलिवेशन गेन करते हैं। एंड दिस इज़ अ टोटल अनह्यूमन एंड बहुत ही मतलब मुश्किल स्टेज होता है। अभी के टाइम में ना टूर दे फ्रांस देखो पहले ज़्यादा फ्रांस में ही होता था, बट अभी के टाइम में टूर दे फ्रांस फ्रांस के साथ साथ जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे जैसे स्पेन, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जैसे हॉलैंड, नीदरलैंड्स, तो उन कंट्रीज में भी टूर दे फ्रांस होता है। इसमें जो प्राइज मनी दिया जाता है वो 22 करोड़ होता है गैस ओवरऑल प्राइस मनी की अगर बात करें। देखो इंडिया की बात करें अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि टूर दे फ्रांस पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ऑल्सो 2012 में ना गाइस टूर दे इंडिया करके एक साइकिलिस्ट का टूर्नामेंट हुआ था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे फ्यूचर में। एंड ये जो टूर दे इंडिया था ना वो 3 सिटीज में हुआ था, मुंबई, श्रीनगर एंड दिल्ली में हुआ था। एंड दिस इज अ रियली ग्रेट थिंग कि मतलब इंडिया में भी पहले हुआ था, बट अभी के टाइम में देखो ज़्यादा हमें देखते हुए भी नहीं मिलते। बट मैं रियली कहता हूँ साइकिल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, नॉट ओनली दैट पर्पज, नॉट ओनली टूर दे फ्रांस पर्पज, टूर दे फ्रांस तो एक वर्ल्ड कप की जैसा है, पर इसके साथ साथ ओलंपिक में टोटल साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट्स में ना गाइस 22 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इट मीन्स दैट 22 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल एंड 22 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 66 मेडल हमें एक ही स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। तो फ्यूचर में ना गाइस साइकिल में हमें अगर ओलंपिक में ज़्यादा मेडल जीतने तो साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये भी बात भी बतानी होगा कि टूर दे फ्रांस जैसा कोई टूर्नामेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज रियली हाई चांस कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनको बताओ टूर दे फ्रांस आप देख सकते हो एक दो मैच, आपको बहुत मजा आएगा। टूर दे फ्रांस पे आपको जो स्टेजेस मिलते हैं ना गाइस वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस होता है। प्लेयर को एल्प्स माउंटेन में जाकर क्लाइंब अप करना पड़ता है, बहुत ही हार्ड होता है। अगर आप टूर दे फ्रांस को खेलना चाहते हो तो कैसे खेल सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टूर दे फ्रांस को खेलने के लिए ना गाइस आपको पहले बहुत ही ज़्यादा जनरल जो चैंपियनशिप होता है उनको जीतना होगा, आपके रैंकिंग में आना होगा, देन जाकर आपको इन्विटेशन टूर दे फ्रांस देंगे, तब आप जाके खेल सकते हो। एंड और भी जनरल चैंपियनशिप होता है, टूर दे फ्रांस तो एक है, इटली में भी जनरल चैंपियनशिप होता है, बाकी यूरोप में भी जनरल चैंपियनशिप होता है, बट टूर दे फ्रांस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड जिसके वजह से ये बहुत ही एक प्रेस्टीजियस इवेंट होता है। एंड साइकिलिंग अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली साइकिलिंग से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। एक रिसर्च में ऐसा भी पाया गया था कि जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल का जो इंटरनली ऑर्गन्स है, जो लोग साइकिलिंग करते हैं ना उनका की क्षमता 2 गुना से ज़्यादा होता है। एंड अगर आप साइकिलिंग करते हो ना गाइस तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट में बताना तो क्या लगता है आपको टूर दे फ्रांस के बारे में। फ्यूचर में और वीडियो आएगा बेसिक्स ऑफ इस वीडियो की परफॉर्मेंस के वाइज, एंड मैं और भी इस तरीके से टॉपिक को कवर करूंगा भी। तो सैटरडे मीन्स न्यू टॉपिक, तो मिलते हैं गाइस फ्यूचर के एक और वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइस।